मम्मा खाना बना रही हैं आज। और मम्मा क्या बना रहे हो? तेरे लिए लंच तैयार कर रही हूँ। और ये लंच कितने मिनट में बना है? ये कितना टाइम हो गया आए हो तुझे? 10 मिनट। हाँ 10 मिनट तो बस 10 मिनट में बनेगा। जब मैं घर पे आई, मैंने मम्मा ने कहा कि खाना खाने के लिए रेडी हो जा। मैंने पूछा क्या बना हुआ है, बोले कुछ भी नहीं। तो ये 10 मिनट नहीं, आपको 5 मिनट का खाना है। क्या बना? ये देखेगी सर भी पीटेगी। नहीं, ब्रोकली बनी है, मुझे ब्रोकली पसंद है। मुझे ब्रोकली पसंद है, मैंने ही तो खरीदवाई थी। देखो अभी हमें इसमें डाल दिया है ये, अब कच्चा प्याज। मान्या को कच्चा प्याज खाना अच्छा लगता है। अब ये 5 मिनट में बनने वाली सब्जी है, अगर आप देखोगे तो। इधर पराठा बन रहा है, जल गया। एक बन चुका है, दो बन चुके हैं, और ये मान्या के लिए हो गया तैयार। इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डालूंगी मैं। वीडियो गलत आ रही है, सही कर। तो ये हमारी ब्रोकली की सब्जी बनके हो गई तैयार। इधर पराठा, इतना धुआं आ रखा है ना इसमें, आवाज एग्जॉस्ट ऑन करो ना, पीछे से आवाज आती है ना, इसलिए बंद किया मैंने। तो ऑन करो, क्या कहते हैं इसे? इसे क्या कहते हैं, चिमनी? अच्छा, ओ सॉरी माय बैड। यही हाल है तुम बच्चों का, खाना खाना जानते हैं, चीजें क्या है वो नहीं पता। क्यों, मैं खाना नहीं बनाती हूँ? चलो नहीं बनाती मैं, नहीं बनाती है। बस फिर ये लो, अभी हम इसमें डालने लगे हैं मिक्स कर। मेरी मैगी भी बची हुई है अभी थोड़ी सी। तुम ये स्कूल से खा करके कुछ नहीं आती ला पकड़ा। ज्यादा टेस्टी नहीं था। ज्यादा टेस्टी नहीं था। तो मैगी सुबह बनाई थी, इसको टेस्टी नहीं लगी थी, धुआं ही धुआं है। जस्ट अभी आई है, और इसका कमरा देखो आप, ज्यादा ओवर एक्टिंग ना कर खा भाई। टेस्ट करके बता, नमक हुआ भी है कि नहीं? बैग भी नहीं उठाई है। सच्ची अच्छी बनी है, बहुत स्वाद बनी है। अच्छा, मतलब वीडियो के लिए नहीं बोल रही है? अच्छा। वीडियो के लिए नहीं बोल रही है, अच्छी बनी है। दिखाओ जरा, फिर मैं भी एक लूं। ब्रोकली मत लो, कम पड़ जाएंगे। बहुत अच्छी बनी है, और ये सच में इसको बनाने में मुझे 5 मिनट ही लगे हैं। वही नॉर्मल तेल डाला और कुछ नहीं डाला, ब्रोकली सीधी, प्याज एंड टमाटर। ब्रोकली खा ली मैंने, और अभी मैं अपने लिए बनाऊंगी चाय। चाय बैठ के पीते हैं, टाइम हो गया है 4:15, तो ये मेरा चाय पीने का टाइम है। चलिए चाय बनाते हैं। ये कल हम पीर बाबा के गए थे, तो ये थोड़ा सा परेशान बचा हुआ है, इसको उठा के इधर रख देते हैं। और बर्तनों का ढेर देखो कितना लग गया है। तो चलिए पहले हम करते हैं किचन की सफाई, थोड़ा चूल्हा साफ कर लेते हैं, तभी हम जो है बाद में चाय बनाते हैं। थोड़ा सा भी गंदा हो किचन तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, कोशिश करती हूँ कि मेरी किचन जो है हमेशा साफ ही रहे। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा साफ कर लिया है, तो चलिए अब हम इस बनाते हैं चाय। चाय दोस्तों, मैं अक्सर, बहुत सारे लोग जो है चाय में पानी डालते हैं, कोई किसी तरीके से बनाता है, तो मेरा चाय बनाने का कुछ अलग ही तरीका है। तो चलिए मैं बताती हूँ मैं कैसे बनाती हूँ। तो जैसे कि मैं अभी सिर्फ 1 कप ही चाय बनाऊँगी, तो मैंने लिया है थोड़ा सा पानी, 1/4 कप। उसमें इलायची, लौंग, चाय पत्ती, चीनी मैं नॉर्मल ही लेती हूँ, और फिर पूरा जो 1 कप है वो उसमें दूध डाल लेती हूँ। जो पानी मैंने डाला है वो मैं इसको बॉयल करके इस चाय के अंदर ही सुखाती हूँ, और फिर इसको मैं कड़छी के साथ 3-4 बार ऐसे फेंट लेती हूँ, और फिर उसके बाद मैं 2 से 3 या 4 उफान आने देती हूँ धीरे धीरे। और जैसे अभी पैन को ऊपर उठा लिया, फिर नीचे किया, फिर उफान जो आएगा फिर इसको ऊपर उठाऊँगी,
तो इस तरीके से जो है मैं अपनी चाय बनाती हूँ। तो ऐसे में चाय जो है ना बहुत अच्छी बन के आती है, पानी आपका उसमें खत्म ही हो जाता है जब आप उसको इतनी बार बॉयल करते हो, तो चाय सच में बहुत टेस्टी अच्छी बनती है। तो चलिए हमने बना ली है चाय, अभी हम लेते हैं चाय को। और यहाँ पर आप देखिए, और इधर लगा है मेरा कपड़ों का ढेर जिसको मैं अभी प्रेस करूंगी। चाय हमने पी ली है तो चलिए कपड़े प्रेस कर लेते हैं। सो दोस्तों, चाय मैंने बना ली, जिस जिसने चाय पीनी आ जाइए। इलायची और लौंग की अपनी ही खुशबू है, बहुत मजेदार चाय। और अभी ठंड का मौसम है तो इसमें लगता भी अच्छा है। और मुझे जो है इसी स्टील के कप में, होगी तेरी है? नहीं, स्टील के कप में चाय पीना अच्छा लगता है। तो जो जो मेरे दोस्त चाय पीना पसंद करते हैं उनका वेलकम है, आ जाइए। सो चलिए दोस्तों, आज आप लोगों को थोड़ा सा एयरपोर्ट रोड पे घुमाते हैं। मैं यहाँ जा रही हूँ अपने टू व्हीलर एक्टिवा के ऊपर, पीछे बैठा है मेरे नमन। तो चलिए अभी हम थोड़ा सा बाहर जा रहे हैं, कोई काम है, तो आपको एयरपोर्ट रोड दिखाते हैं। ये अभी हम एंटर किए हैं एरो सिटी में, बहुत ही सुंदर सुंदर यहाँ के राउंड अबाउट हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे इसमें फूल लगे हुए हैं। तो हमें थोड़ा सा काम है तो इसलिए मैं और नमन निकले हैं बाहर के लिए, और सोचा कि चलो एक छोटा सा वीडियो ही बना लेते हैं आप लोगों के लिए। तो मिलते हैं। आज नेक्स्ट डे का ये ब्लॉग है। मैं आई हुई हूँ बाहर हाई कोर्ट, सॉरी हाई कोर्ट नहीं, कोर्ट में आई हुई हूँ। मुझे कुछ छोटा सा काम है और बहुत सारे मेरे दोस्त होंगे जो नहीं जानते, इनफैक्ट कोई भी नहीं जानता था पहले, कभी मैंने वीडियो डाला ही नहीं है कि मैं ड्राइविंग जानती हूँ कि नहीं जानती हूँ। सो दोस्तों, मैं ड्राइविंग टू व्हीलर फोर व्हीलर दोनों ही जानती हूँ। और अगर मुझे कोई सबसे पूछे कि आपको अच्छा क्या लगता है ड्राइव करना, तो मुझे सबसे अच्छा लगता है टू व्हीलर को ड्राइव करना, बहुत मज़ा आता है। तो सारे काम मैं जो है अपने खुद से ऐसे ही करती हूँ। सो थोड़ा अच्छा भी लगता है, यंग सा फील होता है जब आप टू व्हीलर पे होते हो। फोर व्हीलर पे तो खैर बात ही अलग है। इसी के साथ आज का व्लॉग जो है वो मैं एंड करती हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।